अब मेरे तो इससे आगे के भी कुछ गोल्स मैंने सोच रखे हैं क्या है <laughs> बताएंगे क्या हाँ मैं बिल्कुल अब जैसे कि मेरा जो है मेरा पैरा ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने का मेरा प्लान है आ, अरे आ, और मैम मैं, मैं बिलचेर बास्केटबॉल खेलता ही हूँ कैंपस में और दिल्ली के जो कोच है स्टेट कोच हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं तो वो जब भी कैंपस आते हैं तो हम लोग साथ में खेलने जाते हैं और आगे मेरा फ्यूचर में एक प्लान है मैं पैरा ओलंपिक्स में व्हील चेयर बास्केटबॉल स्विमिंग और मैराथन इन दो तीन फील्ड्स में खेलूं और मेडल्स लेके आऊं तो ये मेरे अगे अभी, अगे अभी अगे। मेरे सेकंड स्टेज के ये मेरे प्लान है बहुत बढ़िया जी वी विल लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मतलब एक और झंडा गाड़ना अभी बचा हुआ अभी तो बस एक नहीं हजारों झंडे गाड़ रखे अरे अरे सब एकदम बढ़िया एकदम तो बात बताओ घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा हमेशा रहा मैम हम लोग सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आपका अभी मैं मैंने जो स्टॉक पे वीडियो सुना है आपने ही बताया है जरनी आपके पास आपके माँ का प्यार हमेशा रहा आपकी माँ का सपोर्ट हमेशा रहा इसी इसी तरीके से मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट हमेशा रहा प्रॉब्लम्स आई मैंने मैम मैं प्रॉब्लम्स को सहा है लेकिन उन्होंने मेरे साथ रह के मेरे को तो देखा है महसूस किया है मैं दर्द में सर से चिल्लाया हूँ क्योंकि मुझे हुआ है उन्होंने मुझे चिल्लाता हुआ देख कर कुछ नहीं कर पा रहे इस बात का जो दुख है कि मुझे चोट लग जाए लिए आसान है।, हाँ। है बच्चे को लग जाए तो समझ नहीं आता अब करें क्या उसके दर्द को नहीं ले सकते क्या हमें समझ हैं कि क्या आपका दर्द शायद अगर एक्स है तो उनका टू एक्स रहा होगा अब हम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में बड़ा भाई था वो भी मैंने आपको बताया तो, तो किसी भी माँ बाप के लिए मेरे फादर जो हैं वो भी हाई स्कूल पास ही हैं और दर्जी का काम करते हैं तो वो तो मैम लोगों का पुराना होता वो सिलते हैं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने में भविष्य बनाने में ही लगाया है और जिस समय दो में एक दो दो बड़े हाथ से हो जाए फिर सब कुछ खत्म जैसा हो जाए तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है और मेरा बस यही मन था कि मैं उनको वो खुशी दे के कि आप बहुत खुशियां देंगे चिंता मत दे। दे। आपने उनका गर्व मतलब सीना जो चौड़ा किया है ना और मतलब मैं ना मैं कहती हूँ कि बच्चे की सफलता ना उस बात से है कि जब पापा जा रहे हो या मम्मी जा रही हो ना तो वो ये बोले अरे वो देखो सूरज के पापा मम्मी का जीवन भी 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 भी। है घर तो पे नहीं रहते बोलते अरे आज हम आगरा गए थे उनसे मिलने के लिए या इटावा गए थे उनसे मिलने के लिए आज इन लोगों ने मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया उन लोगों ने बुलाया तो मैंने बस उनको यही बोला की अब आप बस यही कीजिए जितना सम्मान आप ले सकते हैं उतना सम्मान लीजिए समाज को जो अच्छा मैसेज जो आपने कड़ी मेहनत की है जो दुख सहा है बस लोगों को बताइए कि डरना नहीं है हारना नहीं है